अब कुत्ता का डांस किया, साथ में आप डांस किए हैं। हाँ। जानते हैं पवन सिंह कौन है? सुपरस्टार है भोजपुरी के, उनके साथ आपको डांस करने का मौका मिला पता आपको? साले खाता है हिंदुस्तान का और गाता है पाकिस्तान का। अच्छा तो सुन, मैं इस देश का हनुमान हूँ, ये देश मेरा राम है, सीना चीर के दिखा दूंगा अंदर बैठा हिंदुस्तान। चुम्मा नची खैबू उठ लोलिए से तलिया हिप जाके सब तीन बंगालिए से तलिया हिप जाके सब तीन बंगालिए। बाप रे बाप, उस दिन जो हम भागे ना भैया, मैं पकड़ा मारंगल और बर चहजा बोल बर हल्ला लागे छोरिया में पानी पीना है तो गिलास में पियो, बिस्लेरी बोतल में क्या रखा है, प्यार करना है तो माँ बाप से करो, इन लड़कियों में क्या रखा है। सनी देओल का एक बार हो जाए। और कातिल, ये मजदूर कहाँ था, पड़ता है ना, आज मुड़ता नहीं, उठ जाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज तक। दोस्तों, अभी मेरे साथ वही 8 साल का लड़का है जो रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, जिसका नाम है अंश मिश्रा। अभी कुछ दिन पहले वो कोलकाता गए थे, जो कि एक पवन सिंह का स्टेज शो था, और वहां पर इन्होंने धमाल मचा दिया। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। अपना सिटी न्यूज़ तक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। खबर ये आ रही है कि आप गए थे पवन सिंह से मिलने के लिए कोलकाता। जी, क्यों गए थे, क्या हुआ था बताइए दर्शक। पवन सर और दीपक सर हमको इनवाइट किए थे, इसलिए गए थे। हाँ, क्या कुछ हुआ वहाँ पे? वहाँ पे धमाल हुआ, गर्दा मची है। क्या धमाल हुआ वहाँ पे? पवन सर, हम डांस किए, जो कि साथ में आप डांस किए हैं। हाँ। जानते हैं पवन सिंह कौन है? सुपरस्टार है भोजपुरी के, उनके साथ आपको डांस करने का मौका मिला पता आपको? बहुत खुशी की बात है, तब से हम मतलब खुशी इतना खुशी हो रहा है बयां नहीं कर सकते। अभी हमको फिर मिलने का मन कर रहा है। फिर से मिलने का मन कर रहा है। क्या कुछ मिला पवन सिंह से, क्या सीखने को मिला? सीखने को तो कुछ नहीं, लेकिन जो बड़े लोगों से मिलके जो मजा आ जाता है, वही हम ढूंढ रहे हैं। हाँ। आपने वहाँ पे कुछ डायलॉग भी दिए होंगे? हाँ, डायलॉग हम पवन सर का बोले थे। हाँ, सुनाइएगा। सत्य फिल्म का एक डायलॉग है, साले खाता है हिंदुस्तान का और गाता है पाकिस्तान का। अच्छा। तो सुन, मैं इस देश का हनुमान हूँ, ये देश मेरा राम है, सीना चीर के दिखा दूंगा अंदर बैठा हिंदुस्तान। क्या बात, क्या बात। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये महज 8 साल का बच्चा है और आवाज निकालता है किस तरह से। और सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये 75 तरह का आवाज मिमिक्री करता है। ये कुत्ता बिल्ली कोई भी हो, सबका आवाज निकालते हैं। हीरो एक्ट्रेस कोई भी हो, उनका आवाज निकालते हैं। सबसे पहले लालू यादव का आवाज निकालिए। आप देख सकते हैं दोस्तों, सेम टू सेम लालू यादव का ये महज 8 साल का बच्चा निकाल रहा। और भी कौन सा एक्टर का आवाज निकालते हैं? हाँ, एक्टर्स में नाना पाटेकर जी। हाँ, सुनाइएगा। हम एक्टिंग में आदर्श उनको मानते हैं, नाना पाटेकर जी को, क्योंकि उनका एक्टिंग देख के वो एक्टिंग में डूब जाते हैं। हमको मन करता है हाँ डूब जाए। और कौन सा एक्टर का आता है बताइए? एक्टर शाहरुख खान जी। सुनाइए। काजल, तुम मुझे छोड़ के मत जाना। और शक्ति कपूर जी का भी एक शॉर्ट्स वीडियो मैंने हम यूट्यूब पे अपलोड किए, तो वो भी वायरल हो रहा है। आओ नंदू सबका बंडू हचका हचका धक्कच की धा आओ ललिता। अच्छा, आपका एक वीडियो देखे थे, इसमें देख रहे थे कि आप कुत्ता बिल्ली का आवाज सेम टू सेम निकाल लेते हैं, मुर्गी का आवाज निकालते हैं। कैसे सीखे, कैसे कर लेते हैं आप ये? हम अपने आप सीखे हैं। हाँ, 1 साल पहले हम अपने आप सीखे। वैसे हम लोग कबड्डी खेल रहे थे, तो सुअर जैसे धान के खेत में सुअर जैसे घूमता है। हाँ। तो कुत्ते लोग देख लिए उनको, तो भौंकने लगे, तो हम भी मस्ती में ऐसे ही भौंकने लगे कि वो डरे। आप कैसे समझे कि हम, वो भौंक रहा है तो हम भी भौंकने लगेंगे तो आवाज निकल जाएगा? हमको पता थोड़ा था, हमको पता नहीं था। जब 2 घंटे की मशक्कत के बाद जब हम लगातार निकलना चालू किए, तो सेम सही तरीके से निकलना चालू हो गया, तो हमको लगा कि हम कर सकते हैं। अच्छा। तो और भी सीखना स्टार्ट कर दिए थे। एक दिन हम
जा रहे थे प्रोग्राम करके, जा नहीं रहे थे, अपने मामा घर आ रहे थे प्रोग्राम करके, तो बकरी, बकरी का बच्चा कैसे बोला था, जो टोकरी से उसको तोप दिया जाता है जब खुला था वैसे बोला था। अब कुत्ता का कहीं कुत्ता आ गया तब कुछ नहीं, कुत्ता आ गया तब कहेगा ये भाई कौन सा नया कुत्ता है जो इंसानी रूप में है। आप कितना भी खतरनाक कुत्ते को ला दीजिए, हम बस, हमको बस देखने के, और जब हम उसको छू देंगे तो शांत हो जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है, ये कभी हुआ है, रिहर्सल किए हैं हम आठ बार ऐसा करके, जब आठ बार हमारा पूरा हो गया तब हमको लगा हाँ ये तो भाई हम कर सकते हैं, कितना भी खतरनाक कुत्ता आ जाए उसके सामने हम। अच्छा, ऐसा कभी हुआ कि कुत्ता जा रहा और आप भौंकने लगे तो वो भी मतलब आपको देखने लगे? हाँ हुआ, एक आप कभी कुछ कीजिएगा तो डॉग ऐसे ऐसे करता है, तो वही जब हम भौंकना चालू किए, ट्राई कर रहे थे कि असल में निकल रहा है कि नहीं, ऐसे ऐसे देख के, आज वो कटाह कुत्ते थे, काटने वाले कुत्ते पीछे से आ गए, बाप रे बाप, उस दिन जो हम भागे ना भैया। तो तुम भागने लगे उस टाइम, उसने हमको छूने का मौका मिलेगा तब, हाँ। कुत्ता पैंट पकड़ लिया हमारा, हाँ। हम कम से कम 40 की स्पीड तो हम भागे होंगे, 500 मीटर। कुत्ता का तो तुम मजाक उड़ा दिए ना उसका आवाज निकाल के, हम देख रहे थे कि हम असली के निकाल पाते हैं कि नहीं, निकल गया। हाँ, जब भागना चालू किए तो भाई साहब पैंट जो पकड़ा तो भाई उस टाइम तुम अकेले अंदर, अंदर में हम चड्डी पहने थे, चड्डी पहना था अंदर में, नहीं तो तुम्हारा इज्जत का धजिया उड़ जाता। चड्डी गाँव में अगर चड्डी पहने लगे तभी इज्जत बचे रहेगा। अच्छा, तो जब पैंट पकड़ा ना कहते भाई पैंट छोड़, पैंट आज भी किना जाएगा, पैंट छोड़ के जब भागे भैया, उसके बाद जो और भी जो कुत्ते लोग जो सो गए थे गलती से उसके डुमरी पर पैर रख दिए। अच्छा बाप रे, तो फिर क्या हुआ जो हमारे साथ हुआ, देह पर चढ़ के चाटने लगा था, हम डर के मारे चाटने लगा तुमको? हाँ, देह पर जब चढ़ा तो हम उसको भौं भौं कर देने लगा, मतलब कि एक अलग स्टाइल होता है बोलने का, जैसे हम लोग बोलते हैं ना जैसे, तो उसको मनाने के लिए एक अलग स्टाइल से बोलना पड़ता है, तो बोले तो वो शांत हो गए। मतलब कहने का मतलब तुम कुत्ता को पटिया लिए। अच्छा, एक बार मुर्गी के बच्चे का आवाज निकालो। मुर्गी के बच्चा का नहीं, मुर्गी कटती है तब करता निकालो, कैसे निकालो ऐसा नहीं हो कि तुम्हारा हलाल हो जाए। ये भी इसका भी एक राज है। क्या राज है बताइए? हमारे गाँव के बगल में एक पट्टी है, तो वहाँ पे जब हम लोग गए तो मुर्गी चलता है, तो जब आवाज़ निकाले तो वो भी निकला कुकुरुकु, फिर हम निकल के हाँ निकलना है, कुकुरुकु ये मेल का आवाज हुआ, फीमेल का जब सुना तो हमको ऐसे से दिख रहा है। अच्छा, मोदी का आवाज आता है? मोदी जी का आवाज हमको हाँ आता है, सुनाइए। भाइयों बहनों, मैंने कहा आपके गांव गांव तक सड़क बनाई, सड़क बना, बन ही रहा है बन रहा है सड़क बन रहा है। अच्छा, पवन सिंह से आप मुलाकात किए हैं, आपने डांस भी किया है, तो कोई गाना हो जाए पवन सिंह का? हाँ, एक सॉन्ग अभी जो हम गाए हैं वही सॉन्ग पे हम स्टेप करके दिखाते हैं। पी गोइल बड़ा सारा लाज सोरम घोर के, जाला ना कमाए बड़ा चूल्हिए अघोर के, जइए कैसे छोड़ भैया जइए कैसे छोड़ के, ऐसे बतिया बजानी गोलिए से, मारम चटकन तो सट बूद बोलिए से, एगो चुम्मा ना चिखैबू उठ ललिए से, तलिया ही जाके सब तीन बंगलिए से, तलिया ही जाके सब तीन बंगलिए से। एक बार और डांस कर देता, एक बार और सुनाओ गाना, बहुत अच्छा। पी गोइल बड़ा सारा लाज सोरम घोर के, जाला ना कमाए बड़ा चूल्हिए घोर के, जइए कैसे छोड़ भैया जइए कैसे छोड़ के, ओइसे बतिया बजानी गलिए से, मारम चटकन तो सट बूद बोलिए से, एगो चुम्मा ना चिखैबू उठ ललिए से, तलिया ही जाके सब तीन बंगलिए से, तलिया ही जाके सब तीन बंगलिए से। क्या बात है। अच्छा बताओ, अच्छा डांस कर लेते हो, इतना अच्छा आवाज़ भी निकाल लेते हो, तुम्हारे बहुत लोग फैन फॉलोइंग भी हो गए हैं, तो गर्लफ्रेंड कितनी है, क्या बात कर रहे हो? बहूजी मुआदी है। बहूजी मुआदी है। कहाँ है ना? मतलब बहूजी मुआदी है, मतलब बाबूजी, बाबूजी बाबूजी मुआदी है।
क्यों कोई लड़की लाइन तो मारी होगी ना? हमको इस सब काम में अभी फोकस नहीं करना है। हाँ। अभी हम अपने टैलेंट पे अभी खुदाई कर रहे हैं। अच्छा, मतलब कोई लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना है? सुशांत सिंह राजपूत वाला हाल हो जाएगा। क्या बोले? सुशांत सिंह राजपूत जी, सुशांत सिंह राजपूत वाला हाल हो जाएगा, क्योंकि उसके उसकी जो जान गए वो मतलब लड़की के चक्कर में जान गए। हाँ, तो पता है बात, लड़की वड़की के चक्कर में नहीं पड़ना। पानी पीना है तो गिलास में पियो। हाँ। बिस्लेरी बोतल में क्या रखा है? हाँ। पानी पीना है तो गिलास में पियो। हाँ। बिस्लेरी बोतल में क्या रखा है? हाँ। प्यार करना है तो माँ बाप से करो। लड़कियों में क्या रखा है? क्या बात है दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना अच्छा डायलॉग मारे हैं ये। ये है कि लड़कियों से दूरी बना के रखें, क्योंकि लड़कियों के चक्कर में कहीं ना कहीं लड़कों का जिंदगी बर्बाद हो जाता है। बहुत ही अच्छा मिसाल दिया है, और इनके जो पापा हैं वो बोलते हैं लड़की से दूर रहें, यही ना? हाँ पापा, हम बचपन से ही मतलब जब हम 3 साल के थे तभी से हम कसम खाए हैं। हाँ, 3 साल के तभी से कसम खा लिए हमको नशा उसा कुछ नहीं करना है। हाँ। ना लड़की के चक्कर में पड़ना। हाँ, ये सब क्या होता है हमको मालूम है नहीं। और वो हाँ टैलेंट का खुदाई करना पापा बताए। अच्छा, देखिए लड़की को चक्कर में पड़ता है तो गर्लफ्रेंड बनता है, लोग घूमने के लिए जाते हैं बाइक पर, बहुत मस्ती करते हैं, नहीं पता फायदा क्या होता है? फायदा कोई नुकसान होता है? लड़कियों का फायदा होता है। हाँ, लड़कियों का फायदा होता है, इनकी तितलियों का फायदा होता है। आईफोन चाहिए गर्लफ्रेंड को? आईफोन चाहिए। लड़की मिलेगी? हाँ, हमारा एक सॉन्ग आया हुआ है, सुनाइए। हाँ, जो कि भिखारी भिखारी लवर क्या बोलता है? हे जी दे दो भीख मांगो जनी टोनवा के, आईफोनवा किन के बसोनवा के। मतलब कि भीख देने, जब बच्चा भीख मांग रहा है तो सब मार देते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हे जे दे दो भीख मारो जनी तो नवा के, आई फोनवा किने के बसोनवा के। अच्छा, वीडियो के लास्ट में आपने पवन सिंह से मिला, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं पवन सर को और दीपक सर को भी, जो कि पवन सर के मैनेजर हैं। दीपक सर और पवन सर को बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक सर, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आपसे गुजारिश है कि आप हमें मौका देते रहें। अच्छा, एक बार लास्ट में कोई ऐसा मतलब आवाज़ निकालिए, जैसे कोई एक्टर कोई नेता होता कुछ। हाँ, बोल पकड़ो, एस्ट्रोनॉमिकल करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। अच्छा, सनी देओल का एक बार हो जाए। ओए कातिल, ये मजदूर कहाँ था? पड़ता है ना, आज मुड़ता नहीं, उठ जाता। तो दोस्तों, आदमी उठ जाता है इनका कहना है। देख सकते हैं कितना अच्छा सनी देओल का डायलॉग बोले हैं। महज 8 साल का लड़का है और पवन सिंह से इनकी मुलाकात हो गई है, और बहुत ज़्यादा ये लड़का खुश है। बाकी इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इनके टैलेंट को और भी ज़्यादा लोग तक पहुँच पाए। और बिहार का ये टैलेंट आप लोगों को कैसा लगा, आप नीचे कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।